फिलहाल हम इंदौर के गीता भवन चौराहे पे खड़े हैं और मेरे साथ एक कलाकार खड़े हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है दीपक नेमा। वो 100 से अधिक कलाकारों की जो है वो मिमिक्री कर लेते हैं। अब इंदौर में अलग अलग तरीके से जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन चल रही, तैयारी चल रही है। प्रशासन, नगर निगम और जनता अपने अपने हिसाब से प्रवासी भारतीयों के स्वागत की तैयारी कर रही है, तो मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक जी ने भी अपनी ओर से अपने स्टाइल में तैयारी की है। तो सबसे पहले तो दीपक जी बताइए कि आपकी क्या प्रिपरेशन है इंदौर में आने वाले मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो प्रिपरेशन यही है कि इंग्लिश क्लास जा रहा हूँ क्योंकि बात तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगी। खैर, ये तो जोक था। प्रिपरेशन ये है कि मैं एक जैसे कॉमेडी कलाकार हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो कुछ जो बॉलीवुड एक्टर हैं वो अपने अंदाज में उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो जैसे नाना पाटेकर हो गए, तो वो अपने अंदाज में क्या कहना चाहते हैं प्रवासी भारतीय जो आने वाले हैं इंदौर में। अच्छा है बहुत अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है। प्रवासी भारतीय आएंगे तो नाना उनको चाय पिलाएगा चाय की दुकान पर, फ्री में नहीं, कम पैसे में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हुबू आपने नाना पाटेकर की स्टाइल में जो है वो उनके लहजे में बात की। दीपक जी जो है, मैं आपको बता दूं, एक चाय की दुकान चलाते हैं, गीता भवन चौराहे पर उनकी चाय की दुकान है और वो काफ़ी सालों से मिमिक्री का जो काम है वो कर रहे हैं। तो पहले ही बताइए आपको कितना समय हो गया है और इसके अलावा आप कुछ क्या कुछ करते हैं। सर, इसको कम से कम 8-10 साल तो हो गए हैं और मैं कॉमेडी शो भी करता हूँ, स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, ड्राइंग भी बनाता हूँ। और क्या क्या पूछा था आपने? हाँ, मतलब इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? आपने बताया ड्राइंग करते हैं आप, कॉमेडी आर्टिस्ट वो हैं, स्केच आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और आपकी चाय की दुकान भी चलाते हैं। अच्छा, अंग्रेजी आपने पकड़ ली अभी से मेहमानों के स्वागत के लिए, ठीक है। तो कुछ और मुझे आर्टिस्टों की स्टाइल में आप बात करके दिखाइए, बेशक दर्शकों को बहुत आपकी आवाज़ जो है वो पसंद आने वाली है। आप बताइए किसकी आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी इंदौरी होते और वो प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते तो वो किस अंदाज में करते, वो आप मुझे बताइए। आदरणीय मोदी जी अगर इंदौर में होते और प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते तो क्या बोलते? देखिए भैया, नमस्ते, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी 5-5 किलो पोहे लाकर रख लीजिए क्योंकि इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन हो रहा है। भाइयों बहनों, तो सबको पोहे खिलाना है हम सभी को, तो प्रवासी भारतीयों के लिए हर घर में पोहे बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, बनने चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। पंकज त्रिपाठी कैसे स्वागत करेंगे आप, ये भी बताइए ज़रा। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते और न्यूज़ 18 का दिल से धन्यवाद देते। एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है इंदौर की, यहाँ का खान पान, हम तो मकबूल को लेकर आएंगे और साथ में सबका स्वागत करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब सब यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, नमस्ते। बढ़िया, कुछ और कलाकार जैसे कि सुनील शेट्टी हो गए, शाहरुख खान और बाकी तमाम जो कलाकार हैं जो आप सबसे बेस्ट कर लेते हैं, उनकी आवाज़ आप निकालिए और बताइए प्लीज़। हाँ देखिए, अभी जैसे पता चल रहा है कोरोना आ रहा है तो सबसे पहले सेफ रहना ज़रूरी है, तो मैं सेफ की आवाज़ में ही बोलना चाहूँगा। वाह, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है तो सबको चेहरे पर भी मास्क लगाना जरूरी होगा यार, इसी से आप सेफ रह सकते हो। वाह, मैंने तो करीना और तैमूर के लिए अभी से मास्क खरीद लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। कुछ और आर्टिस्ट आप जैसे कि बताइए, सुनील शेट्टी जी की आवाज़ में आप कैसे क्या स्वागत करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन? सुनील शेट्टी आई बोल कर जाएगा, मैं सभी प्रवासी भारतीयों का स्वागत ना करूँ यो नहीं सकता, और कोई मुझे स्वागत करने से रोकता या मौन नहीं दूंगा। ए बाबा भैया। अच्छा दीपक जी, आपने कलाकारों की आवाज़ निकाली, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए, आपने ये कैसे शुरू किया, आपने इसकी ट्रेनिंग ली है या फिर आप किस तरह से आपने अपने आप को जो ये कला है इसमें ढाला है, बताइए आप। देखिए, ढाला तो बड़ी मेहनत से है, सभी कलाकार मेहनत से ही ढालते हैं जो भी है। और सफ़र की शुरुआत देखिए बचपन से ही एक वो था मन में कि साइकिल खरीदूँ, तो सबसे पहले साइकिल से सफ़र की शुरुआत हुई, फिर हीरोंडा ले ली, अब कार भी है आपकी दया से। ये तो खैर जोक था। सफ़र की शुरुआत देखिए, हर घर में एक कलाकार होता है, बस अपनी कला को पहचानने की देरी है, मेहनत करते जाओ, उसमें आगे बढ़ते जाओ। मिमिक्री में काफ़ी सारे ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए हैं मैंने, और इंदौर के 12 कलाकारों ने 12 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड तक लगातार कॉमेडी करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें मैं भी सम्मिलित था उसमें, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है जो जीते हुए हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ यूथ फेस्टिवल में,
और बहुत सारे ऐसे ध्यान। कितने सालों से आप कर रहे हैं मिमिक्री? 10 साल हो गए सर। 10 साल से कर रहे हैं? 10 साल हो गए, अब तो घर वाले भी बोलते बस। अच्छा, तो ये हमारे साथ थे दीपक नेमा जी, जो बहुत ही फनी है, अपने व्यंग और अपने जो जोक्स हैं उनके माध्यम से शहरवासियों को हंसाते हैं। शहर के बाहर भी इनका बहुत नाम है, सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत प्यार जो है वो मिलता है, तरह तरह के इवेंट्स में ये जाते हैं, लोग इन्हें चाहते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि दीपक नेमा जैसे कलाकार इंदौर में, मालवा में बहुत से हैं, और आप उन्हें व्यक्तिगत तौर पर प्रोत्साहन दें ताकि वो भी अपने काम को जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंकित परमार, न्यूज़। हाँ जी बताइए। न्यूज़ 18 को क्या कहना चाहेंगे नवाज भाई? माँ कसम, आज अपने को इंटरव्यू देकर बहुत मजा आया। न्यूज़ 18 और अंकित भाई के लिए यही बोलकर जाएगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक इंटरव्यू लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अंकित भाई बोलते हैं। चलता है नवाज, मजा आया आपके सामने, थैंक यू। तो चलते चलते भी उन्होंने एक जो अपनी कला की जो प्रदर्शनी है वो दिखाई। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।